अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए। बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर, कैसे जीतेंगे सर? सारा खेल मन का है। बेहोशी में उस आदमी के पास इतना जज्बा है कि एक 47 लेकर वो यमराज के सामने खड़ा है। राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर। वो बाबा रामदेव ठीक है, बहुत लोग बाबा रामदेव को गाली देते हैं, लूट लिया लूट लिया। अरे भैया लूट लिया चलो ठीक है, जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर हमको पहले अटेम्प्ट में निकालना है, अबे तुम आधे अटेम्प्ट में निकाल लो यार। राजशाही जो है ना, राजशाही वो शिक्षा का खेल नहीं है। अब सर कुछ चीजों से डर तो लगता है सर, जैसे मुझे इंजेक्शन से बहुत लगता है सर। और तीन तरह के मन है, एक दुर्योधन की तरह, एक कृष्ण की तरह, एक अर्जुन की तरह। दुर्योधन की तरह उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते सर, उसको तो जाना ही है। अर्जुन का सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो एक अच्छे इंसान को अपना गुरु चुनता है। जिसको भी यह संस्कार पैदा हो गया कि गुरु कौन, किसी के कहने पे नहीं, वो भी महान बनेगा। और कृष्ण तो परम अवतार है ही सर। राजशाही जो है ना, राजशाही वो शिक्षा का खेल नहीं है। राजशाही शिक्षा का खेल नहीं है। शिक्षा इंफॉर्मेशन देती है बस। शिक्षा कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिक्षा की बात होती है? नहीं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे बस। उनसे ज्यादा ज्ञानी थे वीडी सावरकर, अंबेडकर, बोस। लेकिन पंडित नेहरू भारत के और विश्व के एक सफलतम नेताओं में से एक हैं। क्यों? समझदारी है। ये ध्यान का गिफ्ट है। जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर हमको पहले अटेम्प्ट में निकालना है, अबे तुम आधे अटेम्प्ट में निकाल लो यार। नहीं नहीं नहीं, आधे में ना निकालेंगे, पहले में निकालेंगे। हाँ तो निकालो, हम रोके नहीं, तो हमको पहले में निकालना है। आप बताओ हम क्या करें। अच्छा बताओ कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो जो मकान के आगे बनाते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं। अच्छा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कंपाउंड जो है वो जो मिलाते हैं क्या? नहीं नहीं, क्या कहते हैं वो जो मिलाते हैं? अरे सरकार इंपेशेंट मत होइए, आपको आईएएस बनना है ना, आप बनेंगे। पहले बेस तो मजबूत कर लीजिए सर, थोड़ा धैर्य तो रखिए सर, थोड़ा अपना मूल्यांकन करिए सर। वो बाबा रामदेव ठीक है, बहुत लोग बाबा रामदेव को गाली देते हैं, लूट लिया लूट लिया। अरे भैया लूट लिया चलो ठीक है। एक अच्छी चीज वो आदमी पूरी दुनिया को सिखा रहा है, योगा, वो आप उससे ले लीजिए। बाकी आपको उसका एलोवेरा नहीं खरीदना है, मत खरीदिए। नहीं नहीं बाबा, जो है बेवकूफ बनाता है। तुमको क्या बनाएगा, तुम बने हुए बेवकूफ हो। हमें अच्छी चीज किसी से भी मिल रही है, ये ध्यान का गिफ्ट है सर। जो सेकंड फेज है ना, जब मन और ब्रीदिंग को आप पकड़ना शुरू करेंगे, और ये समझदारी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी सर, आहा, इसी को बढ़ाना है सर। और ये समझदारी दुनिया के किसी स्कूल में नहीं मिलती सर, ये समझदारी दुनिया के किसी कॉलेज में नहीं मिलती, ये समझदारी दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं मिलती। नहीं तो बाबा रामदेव इतनी ऊंचाई पर पहुंचता सर? ये राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर, ये ध्यान का गिफ्ट है सर। और जैसे जैसे, और थर्ड फेज जो ध्यान का है सर, उस पर तो आज तक कोई बोल ही नहीं पाया सर। एक बार ये सांसें आपके कंट्रोल में आ गई, उसके बाद क्या होगा ये सिर्फ आप जानेंगे सर। थर्ड फेज तो अगर मैं बोलूं उसका तो मैं अधिकारी नहीं हूं सर। पर हां, सेकंड फेज के बाद आप चमकने लगोगे सर। जैसे जैसे ये बढ़ती चली जाएगी, लोग बेचैन होते चले जाएंगे आपके अगल बगल, आपकी अचीवमेंट देख के। दिखाई तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरनल चेंज है वो। भाई आप जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही, तो बाहर से दिखाई पड़ रही, लेकिन जब आप ध्यान कर रहे हो और अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कहां दिखाई पड़ेगा सर? सर हम तैयारी करने आए थे, हमको भी नहीं पता था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। वो तो भला हो, हमारे मित्र हैं गोंडा के, हमारे साथ पढ़े हैं 12 साल तक, अतुल पांडे जी। मैं उनके यहां रुका था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मेरा फर्स्ट डिवीजन आ गया। महानगर में वो रहते थे, वो तैयारी करते थे, तो आजकल सेलटेक्स वो इंस्पेक्टर हैं यूपी में, लखनऊ में। तो उन्होंने हमको रात में प्रोवोक कर दिया, चलाने लगे, आईएस अवध प्रिपेयर, आईएस प्रिपेयर, आईएस प्रिपेयर। अरे हमने कहा यार हमसे प्रिपेयर आईएस। अब पता नहीं मोहब्बत थी उनको बेचारे को, हमको बचपन से मानते हैं, तो उस मोहब्बत में उन्होंने कहा कि प्रिपेयर यू प्रिपेयर। और फिलॉसफी सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा लगता था। समझदारी बढ़ाइए सर, किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। एक वृद्ध महिला पहुंची बुद्ध के पास, उसका बेटा मर गया, तो पहुंची और उसने कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बड़े संत हैं और आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर देंगे। माता जी आप एक काम करो, किसी भी घर से इस गांव में एक मुट्ठी अनाज ले आओ, पर कंडीशन ये है कि उस घर में कोई मरा ना हो। नहीं, आप मोहम्मद का जीवन सुनो सर, ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में कि आपको मोहम्मद से प्यार हो जाए सर।
आजकल के हमारे मुसलमान दोस्त ने छोटी सी बात में ऐसे कर दिया तुमने। उनके ऊपर एक महिला कूड़ा फेंक दी थी, बीमार हो गई बेचारी, मैंने घटना आपको सुनाई ही। मैं जब उनसे इनको कंपेयर करता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि तुम तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर पाते। तारिक फतेह की मैंने तारीफ कर दी, तारिक फतेह पता तुमको तारिक फतेह कौन है? भैया तो ठीक है गलती हो गई, अब चलो ठीक है, उसमें नाराज होने की क्या जरूरत है? आई नो योर रियलिटी। अच्छा अच्छा ठीक है सरकार, ये बढ़ाइए सर, ये ध्यान से बढ़ाएगा सर और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाएगा आपको ना। करो, कल पांडे सर ने आपसे कहा जो आदमी यमराज के सामने AK-47 लेके खड़ा हो, जजबा देखिए सर। कल एक भाई साहब ने किसी ने लिखा कि अरे ये क्या कोई यमराज, जज्बे की बात हो रही चचा, जज्बे की। बेहोशी में उस आदमी के पास इतना जज्बा है कि AK-47 लेकर वो यमराज के सामने खड़ा है। सर ध्यान करिए सर, सर इस देश में इतने विपासना सेंटर है सर, विपासना, इतने सारे विपासना सेंटर है। अगर आप किसी गुरु के पास नहीं जाना चाहते सर, ये विपासना सेंटर कोई चार्ज नहीं लगता सर, आप बस गूगल में डालिए विपासना, आपका कोई भी धर्म हो सर, आपकी कोई भी जाति हो, आप यहां जाइए सर, 10 दिन रहकर आइए, लिख कर दे दूं अगर आपकी जिंदगी ना बदले सर। आप नहीं जाना चाहते ना किसी गुरु के पास, आप यहां जाइए सर, अगर आप 10 दिन रुक गए ना सर, सिर्फ 10 दिन, घबराइए मत सर, अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए। बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर कैसे जीतेंगे सर, सारा खेल मन का है, वही कमजोर मन। अब सर कुछ चीजों से डर तो लगता है सर, जैसे मुझे इंजेक्शन से बहुत लगता है सर, कभी आप अगर मुझे देखें इंजेक्शन लगवाते तो सारी जो मेरी वो ज्ञान है वो वहां पर खत्म हो जाए। अपवाद हर आदमी के साथ है, पर ऐसा थोड़ी है कि यार इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, लगवा लेंगे सर, खूब सोचते हुए जाते हैं और ऐसा हो गया ये हो गया और बिल्कुल एकदम, कई बार तो सर अपने आप को संभालना भी पड़ता है ध्यान से। बहुत लोगों ने ध्यान से क्या होगा, ये होगा सर, पहले फेस में सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है सर, वो मन की बारीक चालाकियों को समझना सर, ये सेकंड फेस है सर, ये हम जानते नहीं लेकिन काम इसी पे करना है, लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, हम इस पे काम करेंगे सर, ब्रीदिंग पे काम करेंगे। हर धर्म ने सांसों के बारे में बात की है, इससे क्या पैदा होगा सर, अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी सर। आप डॉक्टर अंबेडकर की कहानियां पढ़िए क्या सर, मतलब फिदा हो जाएंगे आप उस व्यक्तित्व पर। आप गांधी जी की कहानियां पढ़िए, आप कलाम की कहानियां पढ़िए, आप तो भाई साहब यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो पड़े हैं, आप तो सूरज भान या ब्रज बिहारी व्यू कितना है, 53 करोड़, क्या करोगे जान के यार गैंगस्टरों के बारे में। आप सिर्फ एक वीडियो में बना दो, उसके नीचे लिख दो सेक्स, 24 घंटे में 20 लाख पहुंच जाएगा, भले उसमें आप कुछ मत बोलो, सिर्फ वो वर्ड दोहराते रहो 5 मिनट तक, अब सेक्स पर बृहद चर्चा होगी, बस इतना कहते रहो, अब सारे राज खोले जाएंगे, उसी में 20 लाख व्यू हो जाएगा, भले लोग आपको गाली देगी बेवकूफ बना रहा हूं, कुछ तुमने बताया नहीं, ये है वो, ये आलम है। उसी YouTube पर गांधी के बारे में पढ़ा है, तुलसी के बारे में पढ़ा है, अंबेडकर के बारे में पढ़ा है, वहां व्यू चेक करो 5,000, 3,000, 2,000। और गुरु किसका चुनाव किसी के कहने पर, इस देश की एक और गंदी आदत कि वो जो है दुबे जी सदगुरु के यहाँ जाते थे और जो है उनकी बिटिया का सिलेक्शन हो गया, लड़के का भी हो गया और बड़ा पैसा कमाए, लो सब सदगुरु के यहाँ जाने लगे, ये पैरामीटर है इस देश में गुरु बनाने का, 4 लोगों से पूछकर जैसे ऑप्शनल चुनते हैं लड़के। भैया गुरु विवेकानंद की तरह चुना जाता है अपनी मर्जी से, सदगुरु हैं पंडित रविशंकर हैं, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है, स्वामी अलगनानंद, बहुत सारे लोग हैं सर, पर वो आपकी चॉइस होनी चाहिए सर,